स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट ऑफ एनसीईआरटी बुक फर्स्ट फ्लाइज फॉर क्लास टेंथ. फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड हम पढ़ेंगे और इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे. अगर आपके पास बुक है तो देखिएगा, नहीं तो ये बुक हम दिखा रहे हैं इसमें से देख के आप पढ़िए और हिंदी एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिएगा. अ लेटर टू गॉड, जी एल फ्लुएंट्स राइटर हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं बिफोर यू रीड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. दे से फेथ कैन मूव माउंटेंस, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन. कहा जाता है कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है, लेकिन हमको विश्वास किस में रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस. यह प्रश्न है जिसे कहानी चतुराई से उठाती है. लैंसो इज द फार्मर हु राइट्स लेटर टू गॉड when his crops are ruined, asking for 100 pieces. पीसॉस करेंसी है. तो लैंचो एक किसान है जो भगवान को पत्र लिखता है जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है. तो फसल बर्बाद होने के एवज में वो जो है भगवान से 100 पिसास की डिमांड करता है. तो 100 पिसास की डिमांड करते हुए वो भगवान के पास पत्र लिखता है. कब? जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है. डच लैंसो लेटर्स रिच गॉड, क्या लैंको का पत्र भगवान के पास पहुंचता है? डच गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगन टू रीड इट. तो सोचिए आपके उत्तर इन प्रश्नों के प्रति क्या हो सकते हैं और अनुमान लगाइए कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है. तो इससे पहले इन सब पॉइंट पे आप जो है सोचिए. अब आगे आगे एक्टिविटी दिया है. One of the cheapest ways to send money to someone is through the post office. Kara, ये एक सबसे सस्ता तरीका किसी को पोस्ट ऑफिस के थ्रू पैसे भेजने. Have you ever sent or received money in this way? क्या पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपने कभी किसी को पैसे भेजे हैं या रिसीव किए हैं? तो इस प्रक्रिया में पोस्ट ऑफिस के थ्रू पैसे भेजने या रिसीव करने की प्रक्रिया में क्या क्या करना होता है यहाँ आप देखेंगे. Here what you have to do. A
as you read the instructions, discuss with your teacher in the class the meaning of these words: counter, counterclerk, appropriate, acknowledgement, counterfoil, record. तो पोस्ट ऑफिस में क्या क्या होते हैं वो सब वर्ड्स नीचे दिया है: काउंटर, काउंटर क्लर्क, अप्रोप्रिएट एक्नॉलेजमेंट, काउंटर फाइल, रिकॉर्ड. तो इन मीनिंग वर्ड के इन मीनिंग को आपको पता करना है. कंसल्ट और डिक्शनरी इफ नेसेसरी. अगर ज़रूरत आपको होती है तो आप जो है डिक्शनरी भी यूज़ कर सकते हैं. आर देयर वर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू दिस इंग्लिश वर्ड्स इन योर लैंग्वेज? क्या क्या करना है आपको? इनसाइड द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के अंदर जाना है. गो टू द काउंटर, मार्क्स, मनी ऑर्डर. काउंटर पे जाना है, मनी ऑर्डर फॉर्म के लिए अप्लाई करना, मतलब मांगना है भाई ये मनी ऑर्डर फॉर्म. मनी ऑर्डर फॉर्म को ख़रीदना है और मनी ऑर्डर फॉर्म के जो भी पैसे होते हैं, पेइंग 50 पैसे टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर. 50 पैसे उसके लिए आपको पे करने होते हैं. वो पे करके आपको मनी ऑर्डर फॉर्म ख़रीदना होता है. फिल इन द एप्रोप्रिएट बॉक्सेस इन द फॉर्म, प्रेफरेबली इन ब्लॉक लेटर्स. और उस फॉर्म को ब्लॉक लेटर्स मतलब कैपिटल लेटर्स में आपको फिल करने होते हैं. आफ्टर दिस, इसके बाद आपको पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंट अलॉन्ग विद द चार्जेस. और इसके बाद आपको जितने भी पैसे किसी को आपको सेंड करने होते हैं, भेजने होते हैं, वो पैसे और जो भी उसके चार्ज होते हैं, वो चार्ज के साथ आपको उस काउंटर पे पे करने होते हैं. टेक बाय द एमओ एक्नॉलेजमेंट, कलर फॉइल, काउंटर फॉइल फॉर योर रिकॉर्ड. और आपने पैसे भेजे हैं इस रिकॉर्ड के लिए, आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप वहाँ से रिसीव करनी होती है. वो इसका प्रूफ होता है कि आपने जो है पैसे भेजे हैं. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक मनी ऑर्डर फॉर्म दिया है. इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होता है. इसमें क्या क्या फिलअप करना है देख लीजिए. अब इसमें यहाँ पे देखिए, मेरा पेन नहीं चल रहा है. पे रुपीज़, यहाँ पे आप वर्ड में जितने पैसे भेजने हो, 500 भेजना है तो यहाँ लिख देंगे 500. पेन हमारा सही नहीं चल रहा है. और यहाँ पे जो है डिजिट में लिख देंगे 500 ऐसे. किसको भेजना है यहाँ पे उसका नाम पता लिखेंगे आप यहाँ पे. ये जो दिया है पिन कोड भी डालना होगा, जो भी हो. और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना हो. अगर आप भेज रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे. इसके बाद नीचे आप देख रहे हैं, ये जो सिग्नेचर के बाद से लेकर के यहाँ लिखा है फॉर ऑफिशियल यूज ओनली, यहाँ तक सिग्नेचर ऑफ पेइंग ऑफिशियल. यहाँ तक आपको नहीं कुछ भरना है. ये जो है ऑफिशियल यूज़ के लिए है, पोस्ट ऑफिस यूज के लिए है. और नीचे बात देखिए, यही एक्नॉलेजमेंट स्लिप है.
इस पे जो है, इस पे भी नाम एड्रेस सब भरा जाता है, पिन वगैरह। और यहाँ पे जो है पाने वाले का जो वहाँ जिसको आपने भेजा है वहाँ पे ये सिग्नेचर होगा, डेट लगेगा, स्टंप लगेगा। तो ये फॉर्म है मनी ऑर्डर फॉर्म। तो ये जो लैंचो जो है इसी प्रक्रिया से गुजरा होगा। अब आगे हम चलते हैं। ये सब छुट्टी छोड़िए, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर द हाउस। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। कह रहा है कि वह घर जो पूरी घाटी में अकेला था, एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमाइज अ गुड हार्वेस्ट। अरे इतनी ऊंचाई से नदी और पके अनाज के खेत में फूलों के चिन्हों को देखा जा सकता था, जो कि हमेशा अच्छी फसल की आशा प्रदान करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। उस समय पृथ्वी को जो है केवल एक तेज वर्षा की जरूरत थी, या फिर कम से कम एक शावर की, शावर मीन्स बौछार, उसकी जरूरत थी। यानी कहने का मतलब वो ज़मीन से नमी जो है गायब हो चुकी थी, इसलिए पानी की ज़रूरत थी सिंचाई के लिए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंसो हु न्यू सिल्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। सुबह थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब पूरा सुबह लैंचो ने जो अपने खेतों से पूरी तरह परिचित था उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देखने के अतिरिक्त उसने कुछ नहीं किया था। नाउ यू आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वूमेन। वो अपने जो है पत्नी से कहता है कि अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं, अर्थात वो कह रहा है कि लगता है कि अब बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड एस गॉड विलिंग। उसकी औरत यानी पत्नी जो रात का भोजन तैयार कर रही थी, यानी रात का खाना पका रही थी, उसने जवाब दिया कि हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो बारिश ज़रूर होगी। द ओल्डर वाज वर वर्किंग इन द फील्ड्स व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। उसके बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे घर के निकट खेल रहे थे।
जब तक कि स्त्री ने उन्हें बुलाकर नहीं कहा कि भोजन के लिए आ जाओ. इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट जस्ट एज लंचो हैज प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल. तो भोजन के दौरान, भोजन वो लोग कर रहे थे उसी दौरान, जैसे कि लंचो ने आशा की थी, पूर्वानुमान लगाया था कि बारिश होने वाली है, तो भोजन के दौरान वो लोग जब भोजन कर रहे थे तो वर्षा की बड़ी बूंदें जो है, बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. उत्तर पूर्व में बड़े बड़े बादलों के पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे. हवा ताजी वो मधुर थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न्ड हिज एक्लेम्ड दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई दे आर न्यू क्वाइंस. वो आदमी यानी लंचो किसी और कारण की अपेक्षा अपने शरीर पर वर्षा का आनंद अनुभव करने के लिए बाहर गया तथा जब वह अंदर आया तो खुशी से बोला, खुशी से बोला, क्या बोला? द बिग ड्रॉप्स ऑफ 10% पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5. उसने कहा कि यह आकाश से गिरती पानी की बूंदें, ये बूंदें नहीं है पानी की, बल्कि ये तो नए सिक्के हैं. किस तरह के सिक्के? कह रहा है कि जो ये बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं, ये जो है 10 सेंट के सिक्के हैं. 10 सेंट इज अ करेंसी. तो 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी छोटी जो बूंदें गिर रही हैं वो जो है 5 सेंट के सिक्के हैं. विद अ सटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रेन. अब कह रहे हैं कि संतुष्ट अभिव्यक्ति से उसने फूलों वाले पके अनाज के खेतों को वर्षा की चादर में लिपटे देखा. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड अलोंग विद रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगिन टू फॉल. लेकिन तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और वर्षा के साथ बहुत बड़े ओले गिरने लगे. दिस ट्रूली डिड रिसेम्बल न्यू सिल्वर क्वाइंस. और ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के जैसे थे. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियल्स. और जो लड़के थे वर्षा में जाकर जमे हुए मोतियों को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए बाहर की तरफ भागे. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सप्लेन द मैन. और अब जो है लंचो ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अब वास्तव में बहुत बुरा मौसम हो रहा है. आई होप इट passes क्विकली. और मेरी आशा है कि यह जल्दी ही समाप्त हो जाए. It did not pass quickly. पर यह शीघ्र समाप्त नहीं हुआ.
इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी ही समाप्त नहीं हुआ जैसा कि वो आशा कर रहा था कि जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो ओले गिरना समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस द गार्डन द हिल साइड द कॉर्नफील्ड एंड द होल वैली। एक घंटे तक घरों पर, बगीचों में, पहाड़ी पर, अनाज के खेतों में, सारी घाटी में ओलावृष्टि होती रही, ओला गिरता रहा। और अब द फील्ड वॉज व्हाइट एज इज कवर्ड विथ साल्ट। और अब खेत जो है, उनके खेतों की क्या हालत हो गई थी, उनके खेत जो है इस तरह से सफ़ेद हो गया था जैसे लग रहा था कि खेतों को नमक से ढक दिया गया हो। नॉट लीफ रिमेंस ऑन द ट्रीज, वृक्षों पर जो है एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, अनाज पूरी तरह नष्ट हो गए थे, पौधों से जो है फूल गायब हो गए थे। और अब लैंचो सॉल वॉज सील्ड विद सैडनेस, और अब लैंचो की आत्मा जो है उदासी से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दिस दैन दिस। जब आंधी गुजर गई, वह खेत में खड़ा था और उसने अपने पुत्रों से कहा कि टिड्डों का दल का उपद्रव भी इससे अधिक छोड़ जाता है, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर्स वी विल हैव नो कॉर्न, और इस वर्ष हमारे पास थोड़ा भी अनाज नहीं बचेगा। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर्स, और हम सब इस साल भूखे रहेंगे। स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो जो है लॉन्ग हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स।